हेलो दोस्तों, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ककड़ी की सब्जी। उसके लिए आवश्यकता होती है ककड़ी, एक प्याज, दो टमाटर, हरा धनिया, एक छोटी गांठ लहसुन, ये सब हमने काट कर रख लिए है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच धनिया पाउडर और लहसुन का पेस्ट बनाकर आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने से मसाले आपस में जलते नहीं है और सब्जी अच्छी टेस्टी बनती है। अब हम गैस ऑन करते हैं। सबसे पहले दो छोटी चम्मच तेल डालते हैं। गैस का फ्लेम तेज करते हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें डालते हैं आधी टीस्पून जीरा। जीरा चटकने के बाद डालेंगे प्याज और मिक्स करते हैं। प्याज भुनने के बाद जो हमने मसाले मिक्स किए थे वो डालते हैं, या आपस में गलेंगे नहीं, टेस्ट भी अच्छा आएगा। हमारा मसाला भुन चुका है, तेल कढ़ाई छोड़ने लग गया, जिसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, धीमी आंच पर। 2 मिनट बाद ही हमारे टमाटर पक चुके हैं पूरी तरह से। अब इसमें ककड़ी है जो मिक्स करेंगे। मिक्स करकर 2 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। अब इसमें 1 गिलास के अनुसार पानी डाल देंगे। और आवश्यकता अनुसार नमक डाल देंगे। ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे इसको। गैस का फ्लेम वो कम कर देंगे। अब देखते हैं हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे ऊपर से और गैस को कर देंगे बंद। देख रहे हैं ना कि ककड़ी की सब्जी कितनी शानदार बनती है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है। इसको सर्विंग के लिए निकालते हैं एक बाउल में। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और गार्निश करेंगे। सब्जी तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।